हमारे साथ मनीषा की माँ मनीषा जी हैं और उनके मनीषा आप क्या कहेंगे, एक दो सवाल क्या कहेंगे, किस तरीके से आज कोर्ट में आप मौजूद थे, मैं देखा रो रही थी आप, नहीं क्या लगता है कि जो न्याय मिलेगा आपको? लेकिन लगातार कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, अली का नाम आप सामने आ गया, अली को गुजार दिया गया, क्या कहेंगे आप उसके लिए? नहीं, मैं जस्ट उस पर नहीं जा रहा हूँ, ऑर्डर मैटर में जा रहा हूँ। 15 मिनट के बाद आपसे बात हुई थी, इस बात सामने आ रही है अरे अंदर मत जाओ कोई भी, हेलो एक घूम थमा दो, पीछे आ जाओ, ठीक है? हाँ हाँ ब्रदर, एक दो जन भाई अंदर मत मारो, मोबाइल प्रभाकर भाई जरा पकड़ लो आप, बूम 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 इसको बूम जरा पकड़ो ऊपर दो ना, ओके एक मिनट थोड़ा दूर रखिए, बूम बूम दूर रखिए, मैं खुद जा रहा हूँ बाइक लेके। अरे उसको दे दो, दे दे यार, उनकी बेटी को न्याय चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, और श्रीराम को नहीं छोड़ने वाली है, और इसी कारण है कि देखिए उनकी माँ जो है मनीषा की माँ जो अपनी बेटी खो चुकी है, इस वक्त कोर्ट रूम में कोर्ट में आई हुई है, कोर्ट में लगातार मौजूद रही और उन्होंने आपको देखी और कानों सब सुना उन्होंने किस तरीके से है, लेकिन जिस तरीके आपको लगता है मैं वापस जो न्याय मिलेगा आपको लगता है, लगता है कि बेल रिजेक्ट हो जाएगा वनिता जी? देखिए वो कोर्ट बताएगी आपकी क्या बात, जो भी ऑर्डर होगी उनका और मत बोला जी, हमें कुछ प्रॉब्लम सब आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, हम कुछ नहीं बोलते, देख रहे हैं और ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, नहीं 13 तारीख को बुलाऊंगा ना पूरा, अरे वो तो बुलाओ पूरा बड़े आप क्या करने आए हैं, ये मेरा प्यार नौशीन फोन तू आगे बैठ जाना, आज बनते ना बस कौन माता तरुण जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की कार्रवाई को लेके? जिस प्रकार आज कोर्ट ने तारीख रखी थी हमारी दलीलों के लिए, सरकारी वकील ने भी अपनी दलील रखी और हमने भी हमारी दलील रखी, तो जस्ट जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो आज हमने रेस्ट कर दिया, हमने खत्म कर दिया है, उसमें हमने जजमेंट भी सपोर्टिंग जजमेंट भी दिए, हमारा लह आर्ग्यूमेंट जो था वो एक ही विषय पे था, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट सीन थियरी। लास्ट सीन थियरी का मतलब होता है कि लास्ट जब ये लड़की ने सुसाइड किया उस समय उसके साथ कौन था और किसे देखा गया था, और उसमें सेजान के अलावा और कोई नहीं था, तो इसी बेस पे हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट था और आज हमने आर्ग्यू भी किया है। जिस प्रकार से उनके परिवार के जो एलिगेशंस थी कि ये परिवार ऐसा था, इनकी माताजी ऐसी थी, ये थी, उसके ऊपर भी हमने पूरी तरह से आज जवाब दिया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उनकी बड़ी बेटी के कुछ आर्टिकल्स है ऑलरेडी, जहाँ पे उनकी बेटी खुद बोलती है कि मेरी माँ मेरा पैसा यूज़ कर रही है, चीट कर रही है, तो इससे बड़ा एलिगेशन कोई परिवार एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकता, तो ये सिद्ध होता है कि ये परिवार में कितनी गड़बड़ थी। और जो तुनिशा की माँ का एलिगेशन है कि 2 से 2.5 महीने में उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे, वो 3 लाख रुपए कहाँ गए, उसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत आ गई। जब ऐसी एलिगेशन एक बेटी के द्वारा अपनी माँ पर आती है तो इसके लिए भी सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अली इज़ वन ऑफ द विटनेस इस केस के अंदर, वो विटनेस है, उसके बारे में आधी जानकारी होने के कारण कुछ मीडिया पत्रकारों ने मिड डे करके कोई कंपनी जिसने कुछ प्रिंट किया, जिसके कारण उनके वकील ने पूरा आर्ग्यूमेंट ही कर दिया,
वो मिड डे ने इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है, तो हमने भी कोर्ट को आज यही बोला है कि मिड डे इन्वेस्टिगेशन करना है क्या। मिड डे ने जो तथ्य छापे उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अली एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का विटनेस कभी भी आउट नहीं होता है, स्टेटमेंट के विटनेस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। तो अभी अली ने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो जज साहब पढ़ेंगे और उस हिसाब से 13 तारीख टिंडर को लेके काफी कुछ कहा है। अली का बयान पहले ही हो चुका है। सर वो अली ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है पुलिस को आपके हिसाब पर मेरे देखो अभी उसके हिसाब आर्गुमेंट करी है। उसके हिसाब से तो लवर साबित कर दिया था हमने, तो यही कहा तुनिशा का वो बहुत अच्छा फ्रेंड था और पहले से फ्रेंड था। पर टिंडर पे मुलाकात हुई ऐसे ही भी कुछ अभी आपको मैं बताता हूँ, टिंडर पे बहुत सारे लोग सलमान खान की फोटो यूज करते, तो सबकी उम्मीद ये रहती कि सलमान है क्या, तो ये देखने के लिए चेक करने के लिए वो अकाउंट को ऑपरेट हुआ था ऐसा कुछ है उसके अंदर। लास्ट कॉल अपनी मदर को किया है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है। वो 3 बजे अपनी माँ को ये बोलते हुए किया है कि माँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी टिकट बना दीजिए। तो इनका अब ये आर्ग्यूमेंट है कि माँ के कारण सुसाइड है, तो ये बहुत बड़े आश्चर्य है। थैंक यू तरुण जी। कोर्ट ने 13 तारीख दी है, कोर्ट ने परसों की तारीख 13 तारीख दी है, पर 13 तारीख को कोर्ट ऑर्डर सुनाएगी। हम लोग तब तक वेट करेंगे, तब तक हम आप लोगों से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप कई सारे आरोप लगाए गए, तो लेकिन बाकी नो कमेंट्स। अली को लेकर काफी कुछ कहा है, अली कौन है, वनिता जी क्या कहेंगे, वनिता जी वो कोर्ट में वो ऑलरेडी कोर्ट में क्लियर हो गया है। बाकी हम 13 तारीख का वेट करेंगे, 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। थैंक यू। टिंडर एप्लीकेशन को लेकर काफी कुछ कहा है सर। सर निकालो फटाफट।